बड़वानी के पार्टी विकासखंड की ग्राम पंचायत बमनाली के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया और ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच सचिव और सहायक सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत में कई घोटाले कर कागजों पर निर्माण कार्य करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की और जांच में सही पाए जाने पर सचिव को निलंबित कर सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी। लेकिन अब ये दोनों वापस ग्राम पंचायत बमनाली में नियुक्त होकर पंचायत के काम देख रहे हैं, जिनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। हम इसलिए आए थे कि जो ग्राम पंचायत बमनाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने शिकायत की थी, उनके ऊपर जो सहायक सचिव था ये दोषी पाए गए थे, सहायक सचिव और सचिव, तो इनको सरपंच सारे तीनों को मतलब इनको है ना इनके पद से हटा दिया गया था, और से मतलब जो सचिव था सहायक सचिव उसकी सेवा समाप्त की गई थी। इसके बावजूद भी जो कार्य अभी पेंडिंग पड़ेला है और इनको जहाँ पे ये काम कर रहे थे जो स्थान पे वहीं ग्राम पंचायत में इनको वापस ले लिया गया। हम उनकी कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई उनको जो ही मतलब सरकारी नियम के अनुसार उनकी कार्रवाई होती है वही कार्रवाई चाहते हैं हम। इन्होंने मतलब शौचालय थे, कपिलधारा कुप निर्माण थे, सुदूर सड़क थी, इन्होंने मतलब सारा काम मतलब कुछ भी काम नहीं किया लेकिन फर्जी बिल लगा के इन्होंने पूरी राशि हड़प ली। ये शौचालय थी 17-18 शौचालय थी, उसके मतलब दूसरे की फोटो लगा के उन्होंने राशि निकाल के दूसरे खाते नंबर भी दूसरे के डाले और निकाल के उन्होंने खा गए, उनके घर शौचालय नहीं है। फिर तीसरी बात, वो कुप निर्माण कुएँ थे उनमें से मतलब 80-90 हज़ार रुपये उनको बिल लगा के, रेत का बिल लगा दिया, सीमेंट का बिल लगा दिया, उन्होंने बिल लगा के पैसे निकाल लिए फर्जी बिल लगा के, और उनके कुएँ पे कुछ भी काम हुआ नहीं अभी तक। फिर तीसरी बात, 11-11 लाख की 7 सुदूर सड़क थी, उसमें से एक या दो दिन में मतलब इन्होंने पुराना रोड था उसको रिपेयर कर दिए और एक दो दिन में पूरा कर दिया, जैसे भी लगा के ना उन्होंने पूरा पैसे निकाल के खा गए उन्होंने बिल लगा के। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।